गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी रीड द लेसन नंबर 4, वर्क अराउंड अस, अपने चारों ओर काम। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए लोग अलग अलग तरह की जॉब करते हैं। एनी वर्क दैट वी डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, कोई भी काम करें जिससे अपने को पैसा मिले या पैसा कमाएं अपने जिस काम से, उसे क्या बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं। वी डिपेंड ऑन वेरियस पीपल टू गेट वेरियस थिंग्स डन, कोई हम विभिन्न लोगों पर निर्भर होते हैं, विभिन्न तरीके से उनसे अपने को अलग अलग तरीके से चीज़ों को उनसे प्राप्त करते हैं। विदाउट देयर हेल्प, उनके बिना कोई हेल्प आवर लाइफ वुड बी रियली डिफ़िकल्ट, हमारी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाता है, वास्तव में अपना जीवन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। जॉब्स दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशन, उनकी जैसे कि जिन नौकरियों में क्या होता है कि विशेष जो ट्रेनिंग मिलती है या जो स्टडी अपने को शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिन जॉबों में जो काम अपने करते हैं उसके अंदर अपने को स्पेशल एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है या फिर किसकी पढ़ाई की यानी स्टडी की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाता है, प्रोफेशनल कहलाता है, उसे प्रोफेशन कहा जाता है। पीपल हु डू जॉब दीज जॉब्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, जो लोग इन नौकरियों को करते हैं उन्हें पेशेवर, प्रोफेशनल, शुद्ध हिंदी में पेशेवर बोलते हैं, प्रोफेशनल को पेशेवर कहा जाता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, टीचर्स एंड आर्किटेक्ट आर प्रोफेशनल्स, ये जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, पायलट होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आर्किटेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, पेशेवर होते हैं। सम जॉब्स नीड स्किल्स लाइक दैट ऑफ ए मैकेनिक, पोटर, टेलर एंड कारपेंटर, कुछ जॉब होती है जिसके अंदर विशेष स्किल्स होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है, लाइक जैसे कि एक मैकेनिक का हो गया या फिर पोटर मटके बनाने वाला हो गया या फिर टेलर हो गया एंड कारपेंटर बढ़ई यानी लकड़ी काटने वाला हो गया। लेट्स अस मीट पीपल विथ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस, चलो अपने मिलते हैं अलग अलग लोगों से जो उनके व्यवसाय हैं। दिस इज़ नथू, यह कौन है, नथू है, ही इज़ ए टेलर, वह एक टेलर है। ही स्टिच क्लॉथ, वो क्या सिलता है, एक क्लॉथ, कपड़े सिलता है। ही लर्न स्टिचिंग फ्रॉम हीज मदर, उसने किससे सीखा था, अपनी माता से कपड़े सिलना सीखा था। ही यूजेस ए स्विमिंग मशीन टू स्टिच द क्लॉथ, वह क्या यूज करता है, एक स्विमिंग मशीन यानी कपड़े सिलने वाली मशीन से को यूज करता है कपड़े सिलने के लिए। दिस इज रघु, ये कौन है, रघु है। ही इज ए पॉटर, वो एक पॉटर है। ही मेक्स ब्यूटिफुल क्ले पॉट्स ऑन हीज पॉटर व्हील, वह अपनी जो पॉटर व्हील है उस पे बहुत से सुंदर पॉट्स यानी बर्तन बनाता है मिट्टी से। ही ऑल्सो मेक स्मॉल दियाज, वह दिया भी बनाता है, विच आर यूज्ड ड्यूरिंग दिवाली, जो ड्यूरिंग दिवाली में काम में लिए जाते हैं। हीज वाइफ हेल्प हिम टू पेंट द पॉट्स एंड दियाज, उसकी जो वाइफ है वो हेल्प करती है उन दिया और बर्तनों को पेंटिंग करने के लिए। नेक्स्ट पेज, पिंकू इज ए कोबलर, पिंकू कौन है, एक मोची है। ही मैंस शोज, वो शूज़ को तैयार करता है एंड पॉलिश करता है एंड रिपेयर्स द जीप ऑफ द बैग्स एंड पर्सेस, और रिपेयर करता है अपने बैग की जीप को यानी चेन होती है वो, उसको सही करता है और पर्स की चेन को सही करता है। पिंकू लर्न दिस वर्क फ्रॉम हिज फादर इन हीज चाइल्डहुड, पिंकू ने कहाँ से सीखा था, अपने पापा से सीखा था, जब वह बचपन में उसके पापा जब वर्क करते थे उनसे उसने सीखा था ये छोटे बचपन में काम। मनोज इज ए डॉक्टर, मनोज एक डॉक्टर है। ही ट्रीट्स
द सिक पीपल, वो किस किसको तैयार करता है, जो बीमार लोग होते हैं उनको वो इलाज करता है। ही यूजेज स्टेथोकोप एंड थर्मोमीटर एक्सेट्रा, वो जांच करने के लिए स्टेथोकोप का यूज करता है और थर्मोमीटर का यूज करता है मरीज को चेक करने के लिए। ही डायग्नोज वेरियस डिजीज एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स, वह विभिन्न रोगों का निदान करता है और दवाइयों को निर्धारित करता है। बोथ हिज पेरेंट्स वर फेमस डॉक्टर्स एंड सो इज ही, उसके दोनों पेरेंट्स माता पिता हैं बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं और वो खुद भी फेमस डॉक्टर है। नेक्स्ट है अमित इज ए पायलट, अमित क्या है, एक पायलट है। शी सिंस ही चाइल्डहुड ही यूज टू प्ले विद एरोप्लेन्स, जब वह छोटा था तो वह एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज का यूज करता था खेलने के लिए। छोटे छोटे हवाई जहाज हैं वो बना के और उनसे खेला करता था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर सेकेंडरी ही ज्वाइंड ए फ्लाइंग क्लब टू लर्न फ्लाइंग, यानी कि आफ्टर उसकी हायर जो सेकेंडरी था उसने पास करने के बाद उसने जो फ्लाइंग ज्वाइन फ्लाइंग क्लब होता है वहाँ सीखने उड़ाने के लिए हवाई जहाज को उड़ाने के लिए उस ट्रेनिंग सेंटर में वो ज्वाइन कर लिया था, वो जुड़ गया था। ही गॉट ए लाइसेंस टू फ्लाई, और उसने क्या ले लिया था, एक लाइसेंस ले लिया था उड़ने के लिए। नाउ ही इज ए ट्रेंड पायलट ऑफ एयर इंडिया एयरलाइंस, अब वह एक ट्रेंड पायलट है एयर इंडिया एयरलाइंस में एंड टेक्स पैसेंजर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो पैसेंजर को लेके जाता है। नेक्स्ट है ब्रिज, ब्रिज इज ए मैकेनिक, ही इज ए वर्क्स इन ए मोटर गैरेज, ब्रिज है वो एक मैकेनिक है वो मोटर गैरेज में काम करता है। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए हेल्पर, उसने अपना जो करियर था वो एक हेल्पर से स्टार्ट किया था। ओवर द ईयर्स ही लर्न्ड द आर्ट ऑफ रिपेयरिंग कार्स, बहुत साल निकलने के बाद वह ये आर्ट उसने तैयार करने का तरीका या कला उसमें आ गई थी एंड अदर व्हीकल्स और दूसरे व्हीकल्स की भी कला उसमें आ गई थी कार सीखने। नाउ ही इज ए चीफ मैकेनिक, अब वह क्या है, एक चीफ मैकेनिक है। पीपल लव एंड एडमायर हिम फॉर हिज हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, अब वो क्या है कि उसकी लोग उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए उन्हें उसे बहुत प्यार करते हैं। बिसाइड दीज देयर आर मैनी अदर पीपल हुज वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस, इनके अलावा और भी कई लोग हैं जिनका काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ए टीचर टीच इन द स्कूल, एक अध्यापक होता है वो स्कूल में पढ़ाता है। ए फार्मर ग्रो फूड ग्रेन्स, एक फार्मर होता है वो क्या लगाता है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो उनको लगाता है। एंड ए आर्किटेक्ट मेक डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग, और एक आर्किटेक्ट होता है वो डिज़ाइन तैयार करता है। ए ड्राइवर ड्राइव्स ए व्हीकल्स, एक ड्राइवर होता है वो व्हीकल्स चलाता है। नेक्स्ट पेज, देर मस्ट बी मैनी पीपल इन योर नेबरहुड हु वर्क एज ए कोबलर पोटर मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन मिल्कमैन वॉशरमैन ड्राइवर, इंटरव्यू एनी वन ऑफ देम। यहाँ पे जो मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन दूध वाला वॉशरमैन ड्राइवर आदि किसी भी से भी आप अपने पड़ोस में किसी से भी आप साक्षात्कार हो तो आप उससे किस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है। व्हाट वर्क डू यू डू, तुम कौन सा काम करते हो। हुम डिड यू लर्न दिस स्किल फ्रॉम, आपको ये स्किल किसने सिखाई थी। डू यू लाइक
योर वर्क, क्या तुम अपने काम को पसंद करते हो? हाउ मैनी हावर्स योर वर्क एवरी डे, तुम कितने घंटे काम करते हो? आर यू एबल टू अर्न एनफ, क्या तुम्हें एनफ है, इतना कमाया हुआ बहुत है? नेक्स्ट, जेंडर एंड वर्क, लिंग और काम। अर्लियर सर्टेन जॉब्स वर रिजर्व्ड फॉर आइदर मैन और वुमेन, बहुत टाइम पहले जो जॉब होती थी वो रिजर्व होती थी आदमियों के लिए और मैन के लिए, यानी जेंट्स और लेडीज के लिए। हाउएवर, हालांकि थिंग्स हैव चेंज नाउ, अब क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नाउ वुमेन वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ड्राइवर्स, आर्किटेक्ट्स, पायलट्स एक्सेट्रा। अब क्या है, जो वुमेन है वो अलग अलग फील्ड में काम करने लग गई, जैसे डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट और ड्राइवर, आर्किटेक्ट और पायलट्स आदि। वुमेन हैव रीच द टॉप मोस्ट पोजिशन इन आवर कंट्री, आज के टाइम जो लेडीज़ है वो आज के टाइम अपनी कंट्री में टॉप मोस्ट पर है, वो बहुत आगे है अपने जेंट्स से, सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गई है। प्रतिभा पाटिल बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी प्रतिभा पाटिल हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, सोनिया मिर्जा, सुनीता विलियम्स, किरण बेदी एक्सेट्रा, और सम वेरी फेमस इंडियन वुमेन, ये सारी की सारी क्या है, फेमस इंडियन वुमेन है। सिमिलरली मैन हैव ऑल्सो वेंचर्ड बियॉन्ड their traditional field of work, they now work as HF, fashions designer, hair stylist and makeup artist. Similarly, इसी तरह जेंट्स भी हैं, उन्होंने भी अलग अलग traditional fields के अंदर work start कर दिया है, जैसे कि चैप्स के अंदर या फैशन डिजाइनर का भी करने लगे, हेयर स्टाइलिस्ट का भी करने लगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।